ओके चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या मेंशन किया है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, जिसमें 22 ग्राम बेंजीन को डिसॉल्व किया है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट मास परसेंटेज, ठीक है, ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, मास परसेंटेज हमें मालूम है, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया है, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, उसको डिसॉल्व किया गया किसमें, 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ध्यान देना कि दोनों में से क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसको हम लोग सॉल्वेंट कंसीडर कर सकते हैं। तुम्हें पता है सॉल्यूशन का रूल है कि जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट होता है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट हो सकता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूट जो है, ठीक है, सॉल्यूट की जगह हम कंसिडर कर रहे हैं बेंजीन, ठीक है, दैट इज C6H6, एंड सॉल्वेंट जो है उसकी जगह कंसिडर कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज CCl4। ओके अब सॉल्यूट जो है बेंजीन उसका मास कितना है, इट इज गिवन कि मास है 22 ग्राम, और जो सॉल्वेंट यहां पर हमने कंसिडर किया है, ठीक है, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका मास कितना कंसिडर है, 122 ग्राम। ओके नाउ हमें मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है, मास परसेंटेज मीन्स होता है वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है, तो वेट बाय वेट परसेंटेज हमें दोनों का कैलकुलेट करना है। वैसे वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट, जिसका भी हमें मास परसेंटेज निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, और परसेंटेज है दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ओके तो इनिशियली हम लोग किसका निकालेंगे मास परसेंटेज, वी विल कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ठीक है, तो क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन दैट इज C6H6, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन कितना है, मास ऑफ बेंजीन इट इज 22 डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास के लिए क्या करना पड़ेगा, 22 प्लस 122 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो कितना आएगा, 22 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके तो इट इज 15.27%, ये हमें मिल गया वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ओके क्लियर, फर्स्ट चीज हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन। नाउ सेकंड हमें कैलकुलेट करना है वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है यहाँ पे, इट इज 122 डिवाइडेड बाय अगेन 22 प्लस 122, ठीक है, दैट विल बी 122 अपॉन 144, कितना आएगा इसका आंसर, वैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट बाय वेट परसेंटेज हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, 100 - 15.27, ठीक है, बेंजीन का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी डायरेक्ट हमें मिल सकता था 84.73, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे। नाउ क्वेश्चन टू, नाउ क्वेश्चन टू में क्या गिवन है, देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो अगेन फिर से क्वेश्चन जो है उसमें बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या ऐड किया है, बेंजीन को ऐड किया है जिसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, यानी अगेन मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि बेंजीन सॉल्यूट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन। नाउ दिस टाइम दे आर आस्किंग मोल फ्रैक्शन, जिसमें बेंजीन जो है वो 30% बाय मास प्रेजेंट है। ओके तो अगेन सेम अजम्पशन से मैं कंसिडर कर सकता हूँ, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है, ठीक है, वो बेंजीन है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूट है वो कितना दिया हुआ है, इट इज 30%, ठीक है, सॉल्यूट का जो परसेंटेज है वो
30% है बाय मास। तो हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि जो पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है, कि सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअली हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि सॉल्यूशन इज ऑफ 100 ग्राम। ठीक है, अगर सॉल्यूशन को 100 ग्राम अगर हमने कंसिडर कर लिया तो सॉल्यूट यानी बेंजीन अगर 30% है, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज 30 ग्राम, करेक्ट। और अगर बचा हुआ सॉल्वेंट जो होगा वो कितना होगा? सॉल्वेंट 70% होना चाहिए। तो 70% अगर सॉल्वेंट है दैट मीन्स इट विल बी 70 ग्राम। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब परसेंटेज दिया हो और बाकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एट दैट टाइम हम लोग सपोज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, ये हमने कंसिडर कर लिया। ओके, क्वेश्चन ने पूछा कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। ध्यान देना क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो मोल फ्रैक्शन हमें पूछा है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता है? अगर मुझे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करना होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसके मोल्स को डिवाइड करना है टोटल मोल्स से, करेक्ट। अब हमारे पास फॉर्मूले में मोल्स यूज करने हैं, लेकिन हमारे पास मोल्स नहीं है, तो हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोल ऑफ बेंजीन क्या होगा? मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन मोलार वेट। ठीक है, वेट कितना है बेंजीन का? अभी अभी हमने कंसिडर किया कि 30 ग्राम। ओके, और मॉलिक्यूलर वेट बेंजीन का कितना होता है? 78 6 6 6 6 12 72, एंड हाइड्रोजन के वेट 1 ग्राम होता है, तो प्लस 6। ठीक है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। चलो मैं यहाँ पे पहले से मेंशन कर देता हूँ कि जो मॉलिक्यूलर वेट होगा बेंजीन का, इट इज 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना होगा? CCl4 का 154। ठीक है, तो ये हमें यूज करना है अभी। चलो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे बेंजीन के मोल्स। ठीक है, तो बेंजीन के मोल के लिए हमने क्या किया? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इसका 78 था, तो कितने मोल्स आए? इट इज 0.384। ओके, तो 0.384 मोल्स ये आगे बेंजीन के मोल्स। सिमिलरली अभी हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो CCl4, इसके लिए क्या होगा? अगेन सेम फॉर्मूला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना है? इट इज 70 ग्राम एज पर आवर अजम्पशन। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट अभी अभी हमने दिखाया, इट इज 154। ओके, कितना आएगा कैलकुलेशन करने पे? 0.454। ओके, चलो अभी हमारे पास दोनों के मोल्स आ चुके हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करते थे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो मोल फ्रैक्शन, वैसे हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किसका करना है? सिर्फ बेंजीन का। तो C6H6 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बेंजीन, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया मोल्स ऑफ बेंजीन कितना, इट इज 0.384 है ना, डिवाइडेड बाय अगेन दोनों के मोल्स का सम, यानी 0.384 प्लस 0.454। ठीक है, सॉल्व करो इसे, कितना आएगा? 0.458। ठीक है, यूनिट क्या होगी? मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन मिल चुका है। ओके, अगर सपोज इसके अंदर अगर बेंजीन के साथ साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल फ्रैक्शन अगर पूछे होंगे तो क्या कर सकते हैं? पता है ना, इट कैन बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, करेक्ट, डायरेक्टली हमें मिल जाता। तो 1 माइनस 0.458, तो कितना आएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन? 0.542, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? मोलारिटी करके। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट है उसमें हमें कैलकुलेट करना है किसका मोलारिटी, तो 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट का हाइड्रेटेड सॉल्ट है, CuNO3 2.6H2O। ठीक है, और वॉल्यूम दे रखा है 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमारे पास सॉल्यूट है। ठीक है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, मोलार मास। ठीक है, तो मोलार मास ऑफ CuNO3 2.6H2O, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा
कोबाल्ट का मोलर मास प्लस नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इन सबके मोलर मास को ऐड करते हैं तो कोबाल्ट का मोलर मास कितना होता है 59, ओके। नाइट्रोजन का कितना है तो पता है तुम्हें, इट इज 14, करेक्ट। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस वाटर 18, ओके। इसका सम करो कितना आता है 291, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या क्या गिवन है, वेट दे रखा है कितना, इट इज 30 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने कैलकुलेट किया, इट इज 291, एंड वॉल्यूम कितना, इट इज 4.3 लीटर। हमें तो वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ, चलो पुट करते थे वैल्यूज। तो मोलारिटी इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 291 एंड मल्टीप्लाई बाय 4.3, 0.023 मोलार, ये है हमारा फाइनल आंसर, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml, ओके। लॉ ऑफ डाइल्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए हमें लॉ ऑफ डाइल्यूशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यूज करते हैं। तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन के हिसाब से हमारे पास 2 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और 2 डिफरेंट वॉल्यूम होने चाहिए, ओके। तो पहला वॉल्यूम क्या होगा, V1, इट इज 30 ml, ओके, क्वेश्चन में 30 ml दे रखा है, ठीक है। और V2 क्या होगा, जब डाइल्यूट किया है इट बिकम्स 500 ml, ओके ओके। अब उसके बाद बात आती है कॉन्सेंट्रेशन की। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो मोलारिटी थी उसकी क्या थी, M1, इट इज 0.5 मोलार। तो हमें आफ्टर डाइल्यूशन देखना है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो M2 क्या होगा, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट M2। वैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए, डाइल्यूट करने पे क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। तो चलो अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन, क्या होगा, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, ठीक है। तो M1 की जगह क्या पुट करेंगे, जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, इट इज 0.5, ठीक है, मोलार। अच्छा वॉल्यूम की जगह क्या पुट करोगे, तो वॉल्यूम की जगह 30/1000 पुट करना है, राइट, क्योंकि मोलारिटी के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो किसमें होना चाहिए, लीटर में, ठीक है, लीटर में पुट करना है। सिमिलरली M2 हमें कैलकुलेट करना है, तो M2 एज इट इज रखते हैं और वॉल्यूम की जगह आएगा 500 ml डिवाइडेड बाय 1000, तो लीटर में आ जाएगा। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो M2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M2 इक्वल्स टू 0.5 इंटू 30, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 1000, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ फॉर्मुलेस कौन से यूज हुए। फर्स्ट पार्ट में हमने डायरेक्टली मोलारिटी का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, बट सेकंड पार्ट में वी हैव टू यूज लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ओके। फर्स्ट पार्ट जो था उसका हमारा फाइनल आंसर जो था दैट वाज 0.023 मोलार, सेकंड पार्ट का आंसर जो था इट इज 0.03 मोलार, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, है ना, हमें यूरिया का मास कैलकुलेट करना है, कब, जब हमने उसकी हेल्प से 0.25 मोलार एक्वस सॉल्यूशन बनाया, यानी सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, इन मेकिंग 2.5 केजी, जिसमें सॉल्वेंट का जो वेट है वो 2.5 केजी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली हमें क्या पूछा गया, मास, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सॉल्यूट का वेट। तो सॉल्यूट के लिए हम लोग यूज करते हैं, याद है, W2, ओके। तो हम लोग W2 ढूंढेंगे, दैट इज द मास ऑफ यूरिया, ठीक है, ओके। अब यूरिया का मॉलिकुलर वेट हमको पता है कि यूरिया का जो मॉलिकुलर वेट होता है इट इज हाउ मच, 60, राइट, मोलार मास जो होता है वो 60 होता है, पता है, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट W1, ठीक है, जो कि वेट ऑफ सॉल्वेंट है केजी में, इट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 2.5 केजी, ठीक है। और सॉल्वेंट कौन है तुम्हें पता है, इट इज एक्चुअली वाटर, बिकॉज एक्वा सॉल्यूशन,
ठीक है, एंड मोलालिटी, मोलालिटी गिवन है इट इज 0.25 मोलाल सॉल्यूशन। ओके तो चलो मोलालिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट राइट, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वैल्यू में मोलालिटी कितनी है, इट इज 0.25 इक्वल्स टू वेट दैट वी हैव टू कैलकुलेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट जो कि होता है 60 एंड मल्टीप्लाई बाय सॉल्वेंट का वेट केजी में, दैट इज ऑलरेडी गिवन 2.5। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से, W2 इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो फाइनली जो मास ऑफ यूरिया है इट इज 37.5 ग्राम ऑफ यूरिया जो प्रेजेंट होगा इस सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज किया हमने, तो फॉर्मूला हमने यहाँ डायरेक्टली मोलालिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, जनरली जिन क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो सकते हैं डायरेक्ट करके।